हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, और ये मेथड का जो नाम है वो है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। अभी तक मैं आपके सामने तीन से चार मेथड पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट जो था वो होमोजीनियस था, देन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, देन एग्जैक्ट, देन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, एंड देन पार्ट ऑफ सी एफ जब नॉन होता है तब एक मेथड होता है, एंड देन नॉर्मल फॉर्म में अभी आपके सामने लेटेस्ट वीडियो लिया था, एंड देन अब मैं आपके सामने अगला वीडियो ले रहा हूँ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस टाइप के मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन होती है, दिस इज सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन। सो चेंज इसके इस मेथड का नाम है चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। यहाँ पे d2y/dx² + p dy/dx qy इज इक्वल टू r। ये जो y होता है ये डिपेंडेंट होता है, जो x होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। हम इस x को चेंज करेंगे किसमें, z में। तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z बाय रिलेशन z इज इक्वल टू fx, तो हमारी जो ये इक्वेशन होगी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर p1 की वैल्यू ये है, q1 की वैल्यू ये है, और r1 की वैल्यू ये है। और मैं बताऊंगा कैसे इस मेथड को हम यहां पे यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा मेथड है। और जो मैंने पिछले क्वेश्चंस बताए उन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। जब आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेथड अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 90% क्वेश्चंस इस मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपके सामने अभी कंसेप्ट बताया था कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड में क्या क्या कंडीशंस होती है और किस से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो एक तीन क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं यहाँ पे, मैं अभी एक एक करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक्स d2y/dx² - dy/dx - 4xqy = 4x³ sin x². मैंने आपको कंडीशन बताई थी, उसमें dy/dx का जो कोफिशियंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो हम x से डिवाइड करेंगे पहले इसको। सो d2y/dx² - 1/x dy/dx - 4x²y = 4x² sin x². नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो p की वैल्यू आपके पास -1/x, q की वैल्यू आपके पास -4x², और r की वैल्यू आपके पास आएगी 4x² sin x². नाउ हमारी कंडीशन क्या होती है, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, जैसे हम इसको चेंज करते हैं तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है, d2y/dz² + p1 dy/dz + q1y = r1। यहां पे बता दूं मैं, p1 की जो वैल्यू होती थी वो होती थी d2z/dx² p dz/dx / dz/dx² and q1 की वैल्यू होती थी q/dz/dx² एंड r1 की वैल्यू होती थी r/dz/dx². सो देखिए हम क्या करेंगे यहां पे नॉर्मली कोई भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने तीनों बताने वाला हूं, और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, बट इस मेथड पे जो हो सकते हैं उनमें आपको एक ट्रिक यूज करनी है और वो ट्रिक आपको याद रखनी है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो q1 है उसको आपको मानना है q/dz/dx² इसको हम लेंगे, क्या लेंगे इस क्वेश्चन में, q यहाँ पे क्या है देखो, क्यू यहाँ पे है, दिस इज द क्यू, ओके। इस क्यू में कांस्टेंट कितना है, -4, तो यहां पे हम इसको क्या लेंगे, -4 लेंगे, मानेंगे इसको, है ना। जैसे मेरी बात सुनो, सेकंड क्वेश्चन में क्यू कितना है, -2cos³x / cos x आएगा, तो यहां पे जो कॉफिशियंट कांस्टेंट है वो है -2, तो इस क्वेश्चन में q1 को हम -2 लेंगे। यहां पे ये क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में जो q है वो कितना आएगा, ये आएगा, तो यहां पे कांस्टेंट कितना है, 2 है, तो यहां पे भी हम q1 को क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो q1 है वो क्यू में जो कांस्टेंट है वो हम मानेंगे यहां पे, क्लियर। तो इसको हमने एज्यूम किया, अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है इस क्वेश्चन में। सो क्यू की वैल्यू आपके पास यहां पे है -4x², तो मैं -4x² लिख देता हूं और इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा dz/dx² ये -4 से -4 कैंसिल, सो dz/dx = आपके पास आ गया x, देन इसको हम उधर ले जाएंगे तो dz = x dx एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो यहां से हमारे पास जो z की वैल्यू मिलेगी वो आएगी x² / 2। मतलब इस क्वेश्चन में z की जगह x² / 2 रखोगे तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो z में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए आप, यहां से हमने q1 निकाल दिया, अब हमें चाहिए p1 और r1।
सो जैसे हम पी वन और आर वन मिलेगा तो हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वेरिएबल कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है उसको हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं थ्रू चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड। नाउ अब हम बात करेंगे पी वन की। सो पी वन हम निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चंस में पी वन की वैल्यू जीरो आएगी, सिर्फ एक दो क्वेश्चन है जहां पे पी वन की वैल्यू कुछ आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या आएगी। सो ये पी वन का फार्मूला है, यहां dz by dx की वैल्यू x है तो d2z by dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 1 अपॉन x और dz by dx x डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर तो कैंसिल होगा, तो ये x x कैंसिल हो गया तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। q1 तो आपने अभी निकाल ही लिया, माइनस 4 लिया है। r1 जो है वो कितना है r अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर दैट इज 4 x स्क्वायर साइन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dz by dx इज x, तो ये dz by dx का x स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी, ये से ये कैंसिल। नाउ r1 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 4 साइन, यहां पे z इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 है तो स्टूडेंट्स यहां z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2z आएगी, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू यहां पे 2z रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी r1 की वो आएगी 2z। सो दिस इज r1, दिस इज q1 एंड दिस इज p1, ये तीनों जो वैल्यू उठा कहां रखेंगे इस क्वेश्चन में रखेंगे, क्लियर। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी d2y by dz स्क्वायर, p1 तो 0 है हमारा, q1 हमारे पास माइनस 4 है दैट इज 4 साइन 2z एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो d स्क्वायर माइनस 4 इंटू y इज इक्वल टू 4 साइन 2z, देन इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू आपके पास आएगा प्लस माइनस 2, तो इसका जो CF आएगा वो आएगा c1 e की पावर 2z c2 e की पावर माइनस 2z। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना यहां पे हमें z लिखना है x की जगह क्योंकि हमने x को z में कन्वर्ट कर दिया। नाउ हम बात करेंगे इसके pi की। सो pi में ये पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहां चली जाती है नीचे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 sin 2z डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 4, देन जहां d स्क्वायर वहां कितना रखेंगे, यहां फिर बता दूं कि CF निकाल रहे हैं तो आपको मेरा जो पुराना वाला वीडियो है वो देखना पड़ेगा कि हम CF कैसे निकालते हैं। सो ये आएगा 4 sin 2z डिवाइडेड बाय स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 4 आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू 4 sin 2z अपॉन माइनस 8, तो वैल्यू आएगी हमारे पास sin 2z अपॉन माइनस 2। सो जो हमारा CF आएगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर मतलब CF प्लस PI आएगा दैट इज CF प्लस PI, तो यहाँ वैल्यू आएगी C1 e की पावर 2z C2 e की पावर माइनस 2z माइनस साइन 2z अपॉन 2। पर हमारा क्वेश्चन x में है तो आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। सो जो 2z की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर, तो 2z की जो वैल्यू x स्क्वायर वो उठा कहाँ रखेंगे हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर x स्क्वायर C2 e की पावर x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ये इसका cos x d2y by dx स्क्वायर प्लस sin x dy by dx माइनस 2 cos क्यूब xy इज इक्वल टू cos 2 cos 5x। सबसे पहले तो हम d2y by dx स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो यहाँ cos x से क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा sin x अपॉन cos x dy by dx माइनस 2 cos क्यूब x अपॉन cos xy इज इक्वल टू 2 cos 5x अपॉन cos x, देन ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी d2y by dx स्क्वायर प्लस 10x dy by dx माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 4x। यहाँ पे आप देखेंगे तो p की वैल्यू आपके पास है 10x, q की वैल्यू आपके पास है माइनस 2 cos स्क्वायर x एंड r की जो वैल्यू आपके पास है वो 2 cos पावर 4x। नाउ वही सेम कंसेप्ट यहां लगाने वाले हैं, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी d2y by dz स्क्वायर p1 dy by dz q1 y is equal to r1, जहां पे p1 q1 और r1 की वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट q1 is equal to q upon dz by dx का होल स्क्वायर dz by dx का होल स्क्वायर को हम क्या लेंगे, यहां पे जो q है इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, q जो है इसका कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 2, तो यहां हम क्या लेंगे इसको माइनस 2 लेंगे। अब ये जो q की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए
सो क्यू की वैल्यू आप उठा के यहां रखेंगे तो यह आएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 और ये डीजेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर साइड में चला जाएगा माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल देन डीजेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा आपके पास साइन एक्स तो ये हमारी जेड की वैल्यू आएगी. नाउ अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे P1 की. सो P1 हमारे पास कितना आएगा देखो dz by dx cos x है मैंने आपको बोला था P1 सभी केसेस मैक्सिमम केसेस में जीरो आएगा देखो यहां भी जीरो आएगा cos x की एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा यहां पे ये माइनस का sin x प्लस p की वैल्यू आपके पास कितनी है tan x है सो tan x * कितना आएगा यहां पे देखिए dz by dx दैट इज cos x डिवाइडेड बाय dz by dx का होल स्क्वायर आप देख रहे हो tan x है tan x का मतलब होता है sin by cos cos से cos कैंसिल sin sin क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है तो यार जीरो और Q1 तो आपके पास ऑलरेडी ले लिया आपने माइनस टू एंड R1 जो है वो कितना आएगा देखिए चलो R1 मैं नीचे निकाल देता हूं सो R1 इज इक्वल टू क्या होता है R अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर दिस इज R अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर सो R इज कितना देखा R 2 cos पावर 4x अपॉन dz बाय dx का तो dz बाय dx cos x है तो इसका स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर x सो cos स्क्वायर से इसकी वैल्यू कैंसिल हुई तो ये आएगा cos स्क्वायर x और हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि हमें ये जो आर वन है इसको जेड की फॉर्म में लाना है सॉरी दिस इज साइन स्क्वायर एक्स तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है जेड है तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये 2 माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर सो ये हमारे पास आर वन आ गया दिस इज पी वन पी वन की वैल्यू हमारे पास जीरो है क्यू वन हमने 2 लिया है और आर वन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है ये आई है ओके ये पी वन क्यू वन आर वन उठा कहाँ रखेंगे यहां पर रखेंगे तो मैं सीधा आपको यहां सॉल्व करके ले जा रहा हूं पहले यहां रख देता हूं सो डी टू वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन तो जीरो हो गया और क्यू वन हमारे पास है 2 एंड आर वन जो है हमारे पास वो आएगा 2 1 माइनस जेड स्क्वायर नाउ इसका हम क्या लिखेंगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूँ सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर देन इसका सी एफ निकालेंगे हम तो इसके लिए आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा सी वन ई की पावर रूट टू जेड सी टू ई की पावर माइनस रूट टू जेड अब हम इसका पी आई निकालेंगे सो पी आई के लिए क्या होगा वाई इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 तो हम यहाँ पे इस माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे मैंने आपको रूल्स बताए थे मेरे पहले वाले वीडियो में वे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कि कैसे हम सी एफ और पी आई निकालने निकालते हैं हम तो आपको वहां देखना पड़ेगा उसको क्लियर सो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे सो दिस इज माइनस 2 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 का इनवर्स इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर को खोलेंगे तो यहां आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2 ऐसे चलता रहेगा ये इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपके पास 1 माइनस जेड स्क्वायर एंड देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आपके पास आएगी प्लस 1 कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू ये आएगा जेड स्क्वायर देन फाइनल आंसर आएगा आपके पास आएगा y इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई सो y इज इक्वल टू सी एफ हमारे पास है सी वन ई की पावर रूट टू जेड सी टू ई की पावर माइनस रूट टू जेड प्लस जेड स्क्वायर देन ये जेड की वैल्यू आप रखोगे तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यहाँ लिख रहा हूँ मैं सो सी वन ई की पावर रूट टू यह आएगा साइन एक्स सी टू ई की पावर माइनस रूट टू साइन एक्स और यहाँ जेड की जगह आप साइन रखोगे तो यह वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर एक्स सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेने वाला हूँ और वो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पे नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में पी वन की वैल्यू जीरो आती है पर एक दो टाइप के क्वेश्चन और है जहाँ पर पी वन की वैल्यू जीरो नहीं आएगी कुछ और आएगी तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सो पी वन की यहाँ पे पी जो है वो कितना है 3 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स क्यू इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स और r की जो वैल्यू होगी वो होगी e की पावर माइनस कॉर एक्स साइन स्क्वायर एक्स नाउ यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z d2y बाई dz स्क्वायर p1 dy बाई dx q1 y इज इक्वल टू r1 देन p1 q1 r1 वही सेम यहाँ हम लिखेंगे let q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे हम
Q1 क्या लेंगे यहाँ पे, ये जो Q है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म, 2, वो हम लेंगे यहाँ पे, राइट। सो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये आएगा 2 dz by dx का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन dz by dx इज इक्वल टू साइन x, और आप जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z की वैल्यू आएगी माइनस का cos x। सो ये z की वैल्यू आई आपके पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, p1 की वैल्यू निकालेंगे। सो p1 का फार्मूला क्या होता है, d2z by dx square p dz by dx divided by this, तो ये dz by dx कितना आ रहा cos x, इसके एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, सॉरी sin x एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, ये cos x plus p, p हमारे पास कितना आएगा, p की वैल्यू हमारे पास है 3 sin is sin x minus cot x into dz by dx कितना हमारे पास यहां पे sin x divided by साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे देन इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कॉट एक्स है, तो कॉट का मतलब होता है कॉस बाय साइन, साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ माइनस कॉस से प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3 आएगी। नाउ Q1 तो आपको बताइए, Q1 आपने यहाँ पे क्या लिया है, ये P1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3, और Q1 जो है वो आपने कितना लिया है, Q1 आपके पास है यहाँ पे 2, एंड जो R1 है वो कितना आएगा, R1 का जो फार्मूला है वो है e की पावर माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर, सो dz बाय dx साइन है तो इसका स्क्वायर आएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, ये से ये कैंसल, तो e की पावर माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, जेड एक्स, देखिए आप माइनस कॉस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, जेड, तो ये जो R1 आएगा आपके पास वो आएगा e की पावर माइनस जेड, और नॉट माइनस जेड इज प्लस जेड, तो ये हमारा R1 होगा। सो P1, Q1, R1 ये तीनों वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी d2y by dz square plus P1 की वैल्यू आपके पास है 3, dy by dz plus Q1 आपके पास है 2y is equal to r e की पावर z, देन आप देख सॉल्व करेंगे तो d square plus 3d plus 2 into y is equal to e की पावर z, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपके पास m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास m की वैल्यू आएगी माइनस 1 एंड माइनस 2, इसका cf आएगा आपके पास y इज इक्वल cf c1 e की पावर माइनस z एंड c2 e की पावर माइनस 2z, हम इसका pi निकालेंगे डिनोमिनेटर लेके जाएंगे तो pi आपके पास आएगा e की पावर z डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, सो e की पावर, जहां d वहां कितना रखेंगे 1, मैं फिर से बता दूं, ये है आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसमें मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में मैंने e की पावर z का e की पावर x का pi बताया था, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सो जहां d है वहां 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिए वाला, आपको समझ में आएगा, देन y इज इक्वल टू cf प्लस pi, ये आएगा c1 e की पावर माइनस z c2 e की पावर माइनस 2z प्लस e की पावर z अपॉन 6, सो y इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया हमारा। अब जो हमने z लिया था वो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे माइनस का cos x, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी e की पावर c1 e की पावर cos x प्लस c2 e की पावर 2 cos x प्लस e की पावर cos x अपॉन 6, सो ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने अभी जो कंसेप्ट लिया था वो लिया था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट विथ वेरिएबल कोफिशियंट के अंदर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, जिसमें मैंने आपके सामने तीन क्वेश्चंस लिखा है। यहाँ पे नॉर्मली P1 की वैल्यू 0 आती, पर कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे P1 की वैल्यू 0 नहीं आती, तो वो मैंने क्वेश्चंस बताए। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को शेयर करते रहिए, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स वाकई में अच्छे हैं और हमें लग रहा है कि हाँ ये आपको बेनिफिट कर रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करते रहिए। और मेरे कुछ क्वेश्चंस है और कुछ थ्योरी है, वो मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइए, और वहाँ पे आपको थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही समझने में तो आप मेरी वेबसाइट www.gajendrapurohit.com है, उस पर आप रेगुलर देखते रहिए, आपको वहाँ पे कुछ और भी मटेरियल मिलेगा इससे रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।